हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन ट्यूशन। तो आज हम हिस्ट्री टॉपिक के ऊपर असम स्टेट बोर्ड का क्लास लेने वाले हैं, जो कि 9th स्टैंडर्ड का है। सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग यूरोपियंस के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से वो इंडिया में आए और किस तरीके से उन लोगों ने रूट इस्टेब्लिश किया, किस तरीके से उन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट किया, इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट को पढ़ेंगे। आपका की पॉइंट्स दिया हुआ है, आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पे। गवर्निंग एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और रोल ऑफ लॉर्ड रिपन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि किस तरीके से यूरोपियंस लोग आए हैं इंडिया में ट्रेड करने के लिए। तो इंडिया का जो स्पाइसेस था वो बहुत ग्रेट डिमांड पे था, तो यूरोपियन नेशन जो था ग्रीस में, वो एक्सटेंसिव ट्रेड करना चाहते थे इंडिया पे। लेकिन अरब का जो कॉन्क्वेयर किया गया था, यानी कॉन्स्टेंटिनोपल जब टूर्क से कैप्चर किया गया था, तो उन लोगों का जो रोड था यानी ओवरलैंड रोड बंद हो गया। तो यूरोपियंस वो लोग चाह रहे थे इंडिया में किस तरीके से वो आ सके, उन लोग टूर्क से बचकर, यानी उन लोगों ने नेसेसिटी ऑफ अल्टरनेटिव रूट टू इंडिया ढूंढना शुरू किया। सबसे पहले पोर्चुगीज जो है पायोनियर्स जो था वो रूट्स ढूंढना शुरू किया, रूट्स यानी रास्ता। तो सबसे पहला नाम आता है बार्सोलोमियो डायस, जो इंडिया का रास्ता ढूंढते ढूंढते साउथ अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप पहुंच गया इन 1487 में। फिर कुछ सालों के बाद, यानी 10 सालों के बाद, वास्को डगामा फॉलोइंग बार्थोलोमियो डायस कलिकट पोर्ट में पहुंच गया इन 1498 एडी। दस इसी तरीके से लॉन्ग सी रोड जो है बिटवीन वेस्टर्न काउंट्री एंड इंडिया डिस्कवर्ड हो गया। धीरे धीरे पोर्चुगीज आने के बाद इंग्लिश सेलर भी अटेंशन पे किया इस रूट के ऊपर। तो इन 1580 एडी में एक इंग्लिश सेलर जिसका नाम है फ्रांसिस ड्रेक, वो होल वर्ल्ड में सर्कुम नेविगेट किया, यानी सर्कुम नेविगेट मतलब पूरे वर्ल्ड को ट्रेवल किया एक चक्कर। 1952 में राल्फ फिच अनदर इंग्लिश सेलर इंडिया में आया, बर्मा में आया, और लाइक पोर्चुगीज, यानी पोर्चुगीज मर्चेंट की तरह इंग्लिश भी फोकस किया इंडिया में ट्रेड के ऊपर। इन 1599 एडी पहली बार जॉन मिल्डेनहॉल इंडिया पहुंचे एक पेटिशन लेटर लेके फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड। तो वो मुगल एम्परर अकबर के पास पहुंचे, तो क्वीन एलिजाबेथ जो है उस कंपनी को ग्रैंड किया था टू ट्रेड इन द लार्ज सी एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम केप ऑफ गुड होप, जो कि आपका साउथ अफ्रीका में है, टू मैगेलन स्ट्रेटफोर्ड ऑफ अमेरिका फॉर 15 इयर्स, यानी 15 साल के लिए ट्रेड अलाउ किया था। तो बिफोर अराइविंग इन इंडिया कंपनी ने स्पाइसेस ट्रेड कैरी आउट किया था सुमात्रा, जाबा और मोलुकेस इंडिया एटसेट्रा। फिर इन 1608 एडी में जो इंग्लिश किंग है जेम्स वन, एक पेटिशन लेटर दिया मुगल एम्परर जहांगीर को ताकि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर पाए थ्रू इंग्लिश मर्चेंट जिसका नाम है कैप्टन विलियम हॉकिंस। हॉकिंस सूरत पर पहुंचा थ्रू रिवर तप्ती और एक फरमान लेना चाहा रिगार्डिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश सेटलमेंट एट सूरत। कैप्टन हॉकिंस ने बहुत कोशिश किया प्रिविलेज पाने के लिए मुगल एम्परर को रहकर, साथ ही में 2 साल के लिए वो मुगल एम्पायर में रहा, लेकिन जहांगीर ने उस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया, यानी रिजेक्ट कर दिया। फिर दोबारा से इन 1615 जो जेम्स वन जो किंग है इंग्लैंड का, यानी इंग्लिश किंग जेम्स वन, फिर दोबारा से इंग्लिश मैन के थ्रू जिसका नाम है सर थॉमस राव के थ्रू से अजमेर में मीट किया।
फिर वहां पर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाया। फिर भी जो एम्परर जहांगीर था, इंग्लिश मर्चेंट को फैक्ट्री सेटअप करने के लिए परमिशन दिया लेकिन फरमैन साइन नहीं कर पाया। इंग्लिश मर्चेंट फिर कंटिन्यू करना चाहा, धीरे धीरे डिफरेंट प्लेसेस में वो ट्रेड करने की कोशिश की। इन 1715 में इंग्लिश का एक डेलीगेशन जिसका नाम है जॉन सरमैन, उसने फिर मुगल एम्परर फारुख शेर को मीट किया एक फ्रेश प्रपोजल देके, एक कॉन्ट्रैक्ट देके। तो इसी के साथ एक इंग्लिश सर्जन, यानी सर्जन मीन्स डॉक्टर, जिसका नाम है विलियम हैमिल्टन, जॉन सरमैन के साथ मिलकर एम्परर को एक बीमारी से ठीक किया, यानी एक पेनफुल डिजीज से ठीक किया। तो उसी को रिवार्ड को चलते ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार 3 इंफेरियल फरमैन एम्परर किससे मिल, जिसमें कंपनी को एक ड्यूटी फ्री ट्रेड करने को मिला बंगाल में एनुअल पेमेंट में, यानी उसको एनुअली यानी साल भर में सिर्फ 3,000 रुपया देके उसको ट्रेड फ्री कर दिया। फिर उसे परमिशन दिया गया लाइक एडिशनल टेरिटरी दिया गया अराउंड कलकत्ता, और साथ ही ट्रेड फ्री इन मुगल दिकेन, यानी मुगल दिकेन पे उन लोगों को ट्रेड देना नहीं पड़ रहा था, वो कंटिन्यू कर पा रहा था। तो इसी का प्रिविलेज के चलते उन लोगों को फरमैन मिला और इसको रिगार्ड किया, यानी उसको नाम दिया इस फरमैन को मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। ये फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ताकि ये यहाँ पे इंडिया पे पोजीशन बना सके और धीरे धीरे वो पॉलिटिकल पावर पा सके। कंपनी ने देखा फिर इंडिया में इनिमिटी वीकनेस इंडियन रूलिंग क्लास के अंदर, तो इसीलिए उन लोगों ने धीरे धीरे इंग्लिश रूल को स्टैब्लिश करने की कोशिश किया। कंपनी ने एक ट्रेड सेंटर बनाया मौजलीपट्टनम में, मौजलीपट्टनम इन 1611 सुल्तान ऑफ गोलकंडा से परमिशन लेकर। फिर सेकेंड ट्रेड सेंटर उन लोगों ने बनाया आर्मागाव 1636 में। फिर 1639 में एक ट्रीटी साइन किया था किंग ऑफ चंद्रगिरी से, ताकि वो आर्मागाव का जो ट्रेड सेंटर है, यानी जो सेकेंड ट्रेड सेंटर है, उसको वो शिफ्ट कर पाए मद्रास पे। शिफ्ट करने के बाद उन लोगों ने उसको रीनेम किया फोर्ट सेंट जॉर्ज बोलकर, उसका नेमिंग कर दिया। तो बॉम्बे में उन लोगों का हेड ऑफिस था कंपनी का। तो 1690 में जॉब चर्नॉक वो जमींदारी हासिल किया ओवर 3 विलेज, यानी 3 विलेज के ऊपर जमींदारी हासिल किया, जिसका नाम था कालीघटा, सुतानुती और गोविंदापुर, एक नवाब के थ्रू ट्रीटी करके। इन रिटर्न यानी साल भर में वो लोग ट्रेड फ्री होता था सिर्फ पेमेंट ऑफ 1200 रुपीज पर ईयर। तो इस तरीके से उन लोगों ने कब्जा कर लिया 3 विलेजेस को यूनाइट करके, जो कि ओरिजिनेटेड जो कोलकाता का जो टाउन है, फिर कोलकाता कहा जाता है, पहले तो कलकत्ता था, तो वो ओरिजिनेट करते हैं वो मेन कलकत्ता में। यहाँ पे देखा जाता है कि फिर धीरे धीरे रॉबर्ट क्लाइव एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्वेंट था ईस्ट इंडिया का, यानी एक शातिर क्या कहते हैं इसको रूलर, एक डिप्लोमेटिक के थ्रू से वो उसने कॉलोनियल एम्पायर सेटअप करना चालू कर दिया। या तो वो फ्रेंडशिप करके करता है या तो वो वार के साथ करता है। यानी क्लाइव जो है, यानी रॉबर्ट क्लाइव अदर यूरोपियन कंट्रीज जो है उससे वो मतलब इंडिया को लेना चाहता है, तो उसका खुद का एक इंटरेस्ट था। ही ट्राई टू विन ओवर द नेटिव किंग, वो नेटिव किंग को जीतना चाह रहा था आइदर बाय वार और बाय फ्रेंडशिप। नवाब ऑफ बंगाल, निजाम ऑफ हैदराबाद, नवाब ऑफ ओथ, किंग राजपूताना, सबके साथ इसने दोस्ती कर दी। और अगर उसने युद्ध किया, उन लोगों को हराया, तो उसको सरेंडर करने पर मजबूर किया। तो गवर्नरशिप रॉबर्ट क्लाइव का पीरियड जो था टिल जनरलशिप गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, धीरे धीरे ये ब्रिटिश कॉलोनी यानी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को थ्रू आउट इंडिया सेटल किया, मतलब थ्रू आउट इंडिया ब्रिटिश का जो रूल था उसको इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया ब्रिटिश रूल में। पहले तो किंग था, तो अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में आ गया। तो ये होल लॉन्ग पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहला पार्ट है फर्स्ट
फ्रॉम द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर टू द सिपोई म्यूटिनी, जो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, 1857। तो सेकेंड पार्ट जो है आपका 1857 के बाद से होता है, वो 1858 से लेकर 1947 तक, टिल ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस तक। तो इसको दो फेज में डिवाइड किया गया, तो हम लोग इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो ड्यूरिंग स्टार्टिंग में, यानी फर्स्ट फेज में, ब्रिटिश ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी आया, फिर इंडियन रूलर्स को हटाया, डिथ्रोन कर दिया, उसको स्कैटर कर दिया, उन लोगों ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर बिठा दिया। फिर सेकेंड फेज में हम देखते हैं कि ब्रिटिश क्राउन जो है, उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को और इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाया। तो ये सब हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, इसका हम अलग अलग से वीडियो बनाकर आपको देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।